और दोस्तों आज से सहयोग गार्डन में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ है और अभी कलश यात्रा का समापन हुआ है। और चलिए आपको लेकर चलता हूँ सीधे अंदर। कलश यात्रा में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बहुत आनंद लग रहा था। मम्मी सबसे अच्छी कृष्ण जी के भक्त अभी है बस। अच्छा, कृष्ण जी के भक्त आप ही हैं? हाँ। तो ये सभी आज कलश यात्रा में शामिल हुए थे। चलिए अब आपको अंदर लेकर चलता हूँ। और आज से पूरा 7 दिन तक वृंदावन धाम बनने वाला है सहयोग गार्डन, और सभी श्रद्धालु आज यहाँ पर शामिल हुए हैं सहयोग गार्डन में। और ये देख रहे हैं आप, अभी ये कलश यात्रा यहाँ पर आई है और कल से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आरंभ होने जा रहा है। तो आज से सहयोग गार्डन वृंदावन धाम बना हुआ है और सभी श्रद्धालु आज यहाँ पर आए हुए हैं और आज कलश यात्रा का की शुरुआत हुई है। और मेरे साथ में दिनेश भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सभी श्रद्धालुओं से? सभी मेरी माताओं बहनों से और समस्त शहरवासियों से, सभी श्रद्धालुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि आज से गुरुजी दोपहर 2 बजे से कथा का आयोजन, कथा वाचन करेंगे। गुरुजी हमारे बनारस से विश्व ख्याति प्राप्त राघव ऋषि जी महाराज, जिन्हें कि इस क्षेत्र में एक विशेष उपाधि प्राप्त है, मैं सभी शहरवासियों से विनम्र आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कथा का श्रवण करें और कथा का लाभ लें, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। मेरे साथ में सर यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहते हैं? देखिए, हर किसी की हिम्मत नहीं होती कथा कराने में, लेकिन भाई दिनेश शुक्रवार जी के द्वारा जो तानसेन नगर और हजीरा क्षेत्र में जो इतनी भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, निश्चित ही, और जो वक्ता भागवताचार्य जी जो आ रहे हैं, वास्तव में वो देश के ख्याति प्राप्त वक्ताओं में हैं, और उनका आशीर्वाद हम सबको, ग्वालियर की जनता को मिले और सभी के घरों में सुख समृद्धि आए। और भाई दिनेश शुक्रवार को बहुत बहुत बधाई कि इतने लोगों को, इतने सारे लोगों को रसमान कराएंगे। इसका पूरा पुण्य मैं तो कहूँगा दिनेश शुक्रवार को जाएगा ही जाएगा, लेकिन हम सभी उस पुण्य कमाने का प्रयास करें। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों आप अगर प्रोग्राम देख रहे हैं डैन पर और यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर, तो आप सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहूँगा, आइए रसपान कीजिए और कथा का आनंद लीजिए। सभी माता, सभी बहनें और सभी ग्वालियरवासी आइए। सहयोग गार्डन हजीरा पर स्थित है, तानसेन नगर के जस्ट पीछे, पुलिया के जस्ट बगल से सहयोग गार्डन हजीरा। आइए और कथा में सम्मिलित होइए और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में और वृंदावन धाम में पधारिए और वृंदावन धाम का आनंद लीजिए अपने ग्वालियर में सहयोग गार्डन में। आप नज़ारा देख रहे हैं, ये सभी माता बहनें यहाँ पर अभी कलश यात्रा अभी समाप्त हुई है और 2 बजे से कथा का प्रारंभ होगा, जिसमें विश्व प्रख्यात महाराज जी अपनी कथा का यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का सभी श्रद्धालुओं को सुनाएंगे। और यहाँ पे सभी माता बहनें यहाँ पर शामिल हुई हैं आज कलश यात्रा में। कैसा लगा कलश यात्रा में? बहुत अच्छा। राधे राधे। तो वृंदावन धाम लग रहा है पूरा, सहयोग गार्डन। तो वृंदावन धाम में तो हाजिरी ऐसे थोड़ी लगती है भगवान श्री कृष्ण के। राधे राधे। जय जय श्री राधे। एक भजन तो बनता है, राधे राधे जब पोछे ले आएंगे, राधे राधे जब पोछे ले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब पोछे ले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चढ़ी आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी,
राधे 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 राधे। और कोई आता है भजन किसी को? आता है ना, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। सुवन भी गए साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी सुवन भी गए सुवन भी गए साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। क्या भूल गए बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी, क्या भूल गए बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने फाड़ी रेशम साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, मैंने फाड़ी रेशम साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। सीताराम कही सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़े में वास वास। जय श्री राम। जय श्री राम।